इज को सर स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करा आपका चैप्टर चैप्टर सीक्वेंसरी एक्सरसाइज नाइन पॉइंट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन जो आप लोगों ने पहले पढ़ी भी so, है टेंथ क्लास में सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विदमेटिक प्रोग्रेशन सो वट इजमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस इस कॉल एन अथोमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस उसको ऑटोमैटिक प्रोग्रेशन बोल दिया जाएगा इफ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम अगर एक टर्म और उससे पहले वाली term, दोनों टर्म दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस हो हमेशा सेम उसको बोल दिया जाएगा एटमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एंथ टर्म और एंथ माइनस टर्म एंथ में से एंथ माइनस वन टर्म माइनस कर दीजिए वो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा उस डिफरेंस को हम लोग नोट कर देंगे डी से दिस डिफरेंस दिस कॉन्सटेंट डिफरेंस इस कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इस डिफरेंस को बोल दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस और जिस तरह से आप लोगों ने देखा मैंने लिखा डी और इसको डिनोट कराया जाएगा किसके साथ डी के साथ फॉर एग्जाम्पल नीचे एक इवन नीचे एक लिखी सीक्वेंस थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी दो कंजर्वेटिव टर्म्स कर लीजिए इनको डिफरेंस देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है थ्री सो इट इज ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे हमारे पास एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन हमें उसके जनरल टर्म वो पढ़नी होगी जनरल टर्म ऑफ ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट अगर एक हमारे पास है ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी देन जनरल टर्म टी एन उसके साथ डिनोट करा जाएगा जनरल टर्म किसके बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी और अगर इन्हीं एन टर्म्स का मेरे पास एक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट एन टर्म्स उस सभी टर्म्स को मैं सम करना चाहूँ मैं किसके अकॉर्डिंग सम कर सकता हूँ डिनोट कर दिया जाएगा एस एन के साथ किसके बराबर एन अपान टू टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन डी और हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल एन इज टर्म्स ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म बस स्टूडेंट जनरल पढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज नाइन पॉइंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नाइन पॉइंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू क्या बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्राम वन टू टू थाउजेंड वन फ्रॉम वन टू टू थाउजेंड वन जितने भी ऑड इंटीजर्स उन सभी ऑड इंटीजर्स का हम लोगों को सम करके बताना है सबसे पहले ऑड इंटीजर्स फ्रॉम वन टू टू थाउजेंड वन स्टूडेंट्स कौन कौन से इंटीजर्स होंगे ऑड इंटीजर्स वन थ्री फाइव सेवन एटसेट्रा अप टू थाउजेंड वन और हम लोग ये देख सकते हैं बस सभी टर्म्स सभी कन्जेगेटिव टर्म्स कोई भी दो कन्जेटिव टर्म्स लो उनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है माइनस टू आ रहा है थ्री माइनस वन सॉरी टू आ रहा है थ्री माइनस वन टू फाइव माइनस थ्री टू डिफरेंस टू आ रहा है सो ये मेरे पास क्या आ गई मैथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है जिसकी फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या है वन कॉमन डिफरेंस क्या है डी सबसे पहले ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले वो मैं देखता हूँ उसके लिए देखो मेरी सबसे लास्ट टर्म है टू थाउजेंड वन की दैट इज एंथ टर्म है टू थाउजेंड वन टी एन टू थाउजेंड वन टी एन किसके बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर टू थाउजेंड वन यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दी वन और डी की वैल्यू पुट कर दी टू नेक्स्ट स्टेप वन वन को मैं लेके गया राइट हैंड साइड सो एन माइनस वन टू क्या टू थाउजेंड माइनस वन मतलब एन माइनस वन टू क्या टू टू थाउजेंड टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एन माइनस वन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू सो एन माइनस वन के आ गया वन थाउजेंड जब एन को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा वन थाउजेंड प्लस वन दैट इज वन थाउजेंड क्या होगा एन क्या गया वन थाउजेंड प्लस वन एन आ गया ये हम लोगों को पहले ही गिवन वन उसके बाद कॉमन डिफ्रेंस भी हम लोगों को पता टू सोच निकालता हूँ भाई सम पे कितनी टर्म्स हैं वन थाउजेंड वन तो समर्म्स फॉर्मुला एन बाई टू टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह कर दिया 2, 2 एन माइनस वन दैट इज माइनस वन इंटू डी डी क्या सब्सिट्यूट कर दिया टू और इसको आगे जब सिंप्लीफाई करा स्टूडेंट हम लोगों ने देखा इसका आंसर क्या आया वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो आगे सम ऑफ एन टर्म्स सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड वो भी कर दिया जाएगा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें क्या बोला गया सम ऑफ हमें चाहिए फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सभी नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए लाइंग बिटवीन हंड्रेड एंड थाउजेंड सभी नेचुरल नंबर जो हंड्रेड 100 और थाउजेंड के बीच में लाइक कर रहे हैं एंड विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव जो फाइव के मल्टीपल हैं किस तरह के नंबर्स हंड्रेड फाइव हंड्रेड टेन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड टेन अगेन ये देखिए सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करा आंसर फाइव थर्ड में से सेकेंड को माइनस करा आंसर फाइव ये भी एटोमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म वन जीरो फाइव कॉमन डिफरेंस फाइव बस इसी तरह से बिल्कुल एंथ टर्म नाइन नाइन फाइव टी एन नाइन नाइन फाइव उसके अकॉर्डिंग एन निकाल देंगे फिर एस एन वो सॉल्व कर देंगे इस तरह से स्टूडेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर बोला गया इन एन ए पी कोई ए पी है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है द फर्स्ट टर्म इज टू फर्स्ट टर्म टू गिवन है एंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज द वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म पहली पांच पहली पांच टर्म्स उसका सम किसके बराबर वन फोर्थ ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म पहली पांच टर्म का सम वन फोर्थ सम है किसके बराबर वन फोर्थ ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म के सम के बराबर बताइए शो दैट द सम ऑफ ट्वेंटियथ सॉरी शो दैट ट्वेंटियथ टर्म इज माइनस वन वन टू हमको बताना कि टी ट्वेंटी किसके बराबर माइनस वन वन टू अब देखिए इसको मैं किस तरह से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को इसके सोल्यूशन को मैं बोलता हूँ लेट ए बी द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी ले लिया अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स मतलब एस फाइव किसके बराबर वन फोर्थ दैट इज वन अपन फोर किसके बराबर वन फोर वन अपॉइट फोर इन टू समाइव टर्म जो नेक्स्ट फाइव टर्म्स हैं उसका वन फोरथ है उसको वन बाई फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दिए अच्छा भाई सम ऑफ फाइव टर्म्स इसके लिए फाइव क्या फॉर्मला एन अपॉन टू नंबर ऑफ टर्म्स तो पाँच है ना फाइव अपॉन टू टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन अगेन एन नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइव फाइव माइनस वन डी इज इक्वल टू वन फोर्थ इज वन अपन फोर समाइव टर्म मतलब टी सिक्स टी सेवन टी एट टी नाइन टी टी टेन इन पांच टर्म्स का सम कर दिया फिर राइट एंड साइड हमें गिवन ए इसके बराबर टू ए की जगह टू लगा दिया लेफ्ट एंड साइड में और राइट एंड साइड वन अपन फोर वी सिक्स इन सभी को सॉल्व कर दिया ए प्लस एन माइनस वन डी उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टी सिक्स ए प्लस फाइव डी टी सेवन ए प्लस सिक्स डी टी एट ए प्लस सेवन डी टी नाइन ए प्लस एट डी टी टेन किसके बराबर ए प्लस नाइन डी नेक्स्ट स्टेप फाइव 2 टू टू इंटू टू फोर फोर प्लस फोर डी किसके बराबर वन अपन फोर जब ये ब्रैकेट इसकी टर्म्स को ऐड करा ये हम लोगों को मिल गए फाइव ए प्लस थ्री थर्टी फाइव डी नेक्स्ट मैंने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट से टू कॉमन लिया और टू डिनोमिनेटर के साथ कैंसल क्या बचा फाइव इंटू टू प्लस टू डी किसके बराबर फाइव अपान फोर ए प्लस सेवन डी नेक्स्ट फाइव और फाइव दोनों साइड से कैंसिल टू प्लस टू डी किसके बराबर वन अपान फोर ए प्लस सेवन डी फिर नेक्स्ट स्टेप फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा एट प्लस एट डी किसके बराबर ए प्लस सेवन डी नेक्स्ट ए प्लस एट डी इसको लिख सकते हैं टू प्लस सेवन डी क्यों हमें ए गिवन टू और यहाँ से जब सॉल्व किया डी हम लोगों के पास किसके बराबर आ गया माइनस सिक्स तो ये डी सॉल्व कर दिया सो so, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने डी सॉल्व करा ए हमारे पास है 20th, निकालने के के लिए बोला गया गया जो जो है क्या क्या की 2, D की minus 19, वो लगा दी हम लोगों के पास आंसर क्या गया? Minus 112, जो हम लोगों लोगों पास आंसर आ को प्रूव करना था नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर बोला गया हो मैनी टर्म्स ऑफ द एपी हमारे पास एक एपी गिवन

सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर एन अपन टू टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन डी इसवल टू माइनस ट्वेंटी फाइव अब यहाँ से हमारे पास ए और डी दोनों है स्टूडेंट ए और डी इन दोनों को सब्सटीट्यूट करा नेक्स्ट करा सिंप्लीफाई और यहाँ से हम लोगों ने एन की दो वैल्यूज निकाल दी क्या फाइव और ट्वेंटी मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइव भी हो सकती हैं वो भी समझेंगी माइनस ट्वेंटी फाइव सम ऑफ़ टर्म्स ट्वेंटी भी हो सकती हैं

इस ए पी की फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन सम ऑफ समीथ टर्म मतलब टी पी वन अपान क्यू क्यूथ टर्म मतलब टी क्यू किसके बराबर वन अपान पी अब देखो टी पी वन अपान क्यू फॉर्मूला लगा लिया इसका ए प्लस पी माइनस वन डी किसके बराबर वन अपान डी फिर टी क्यू वन अपान पी के बराबर टी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस क्यू माइनस वन डी किसके बराबर वन अपान टी वन अपॉन पी इसको नंबर टू दे दिया फिर स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करा ए और ए हो जाएंगे कैंसल अगर कैंसिल हो जाएंगे हम लोगों के पास क्या बचा हम लोगों के पास माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन किसके बराबर वन अपान क्यू वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी और यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने डी को सॉल्व करा किसके बराबर वन अपान पी इन टू क्यू फिर मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में वहाँ से ए निकाला वो भी वन अपान पी क्यू स्टूडेंट ए निकाल दिया डी निकाल दिया सो सम ऑफ एन टर्म्स जो निकालने के लिए बोला गया क्या फॉर्मूला एन अपन टू टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी समर्म्स नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या बोलेगा कितनी टर्म्स का सम चाहिए पी इन क्यू सो एन की जगह आ गया पी इन क्यू ए निकाल दिया वन अपान पी क्यू डी भी निकाल दे वन अपान पी क्यू तो स्टूडेंट इस तरह से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा p इन टू क्यू प्लस वन ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव इसी तरह से इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन नंबर सिक्स वो भी इसके साथ साथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे थैंक यू